ओके जी, नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट आपको दिखा रहे हैं, किसकी तस्वीर है दिखाएं भाई? चश्मे। ओह चश्मे, दोस्तें, तो ये मैंने तस्वीरें अपने खानदान, अपने बच्चों और अपने दोस्तों की इसलिए लगाई हैं, मैं अपने बच्चों के साथ भी ये करने की कोशिश करती हूँ, इतनी अच्छा कर नहीं सक रही हूँ, कि एक्सपीरियंसेस उनको मिले इंस्टेड कि अगर इस्लामाबाद में हूँ थोड़ा टाइम मिलता है तो हम पहाड़ों में चले जाते हैं। और मैंने अब ये कहा, अब मौसम अच्छा हो गया है, हर दो हफ्ते बाद जो हमने इर्द गिर्द का शहर नहीं देखा, जो मोनेस्ट्रीज हैं या लेक के पास कुछ चीज़ हुई है, तो एक्सपीरियंसेस कि बच्चे चीज़ें याद नहीं रखेंगे आज से 20 साल के बाद, लेकिन उनकी जो मेमोरीज, जो यादें रहेंगी ना, वो पूरी ज़िंदगी उनके लिए एक लेसन रहेगा। और अपने दोस्तों के लिए पहले मैं अपना काम को प्रायोरिटाइज करती थी, काम को, कि मेरे लिए काम बड़ा ज़रूरी होता है। वर्कहॉलिक हूँ, बड़े प्राउडली लोगों को बताती हूँ वर्कहॉलिक, हर वो काम कर रही हूँ। बट अपनी बहन के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि वो तो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ नहीं है। ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ है? आपकी रिलेशनशिप्स। तो इन्वेस्ट इन योर रिलेशनशिप्स एंड इन्वेस्ट इन द टाइम जो आप उनके साथ गुजारते हैं, तो अच्छी चीज़ है। अगर आसान जबान में कहें, इसे रख रखाव कहते हैं, जो हम जो हमारे यहाँ बहुत एक अच्छी चीज़ हमारी सोसाइटी में है कि आपको एक दूसरे का पता होता है घर का, कि क्या उनके घर दुखी दिन चल रहे हैं, बॉन्डिंग बढ़ाएं, या उनकी सुखी टाइम है, या क्या किस तरह का है। ये हमारे कल्चर का एक हिस्सा है, वरना बहुत सारे कल्चर्स में दूसरे के बारे में पता नहीं, और हम एफर्ट नहीं करते ना रोज वो करने। अलग होता है मिलना, लेकिन एक आप एक्सपीरियंस के साथ इकट्ठे मिलके ट्रैवल करो, चाहे शहर से कहीं बाहर ही चले जाओ, ज़्यादा दूर नहीं, अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है, जो कि आजकल मेरे पास नहीं है, तो इसलिए मैं करीबी वो चीज़ें करती हूँ। बिल्कुल, जब इकट्ठे 20 साल पुराना भी वो दोस्त होगा जिसको आप रोज़ मिल रहे हैं, लेकिन जब आप एक ट्रिप उसके साथ करते हैं ना, इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। या तो दोस्ती ख़त्म हो जाएगी भी नहीं और पुख्ता हो सकता है, हो सकता है। क्योंकि मैंने एक फ्रेंड के साथ ऐसी ट्रिप किया था और वो बच्चों की वजह से ना बहुत दोस्ती खराब हुई। अच्छा, हाँ मुझे पता है। हाँ, तो वो जो है ना एक खौफनाक एक्सपीरियंस था, क्योंकि बच्चों की वजह से ना, बच्चे, ये तो मैंने कहा यार ये तो गड़बड़ हो गई, रादर देन बिकमिंग क्लोज हम तो बिल्कुल ही दूर हो गए। लेकिन काम को प्रायोरिटाइज मेरे ख्याल से एक सर्टन एज या स्टेज लाइफ में आती है जब आपको देना पड़ता है, काम को ही प्रायोरिटाइज करना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि आप फिर अपना टाइम उसमें इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। देखो, उससे आप जो जिंदगी के अलग अलग स्टेजेस होते हैं कि एक स्टेज पर आपको काम को बिल्कुल टाइम देना है, प्रायोरिटी देनी है, फालतू फालतू चीजों में फिर नहीं पड़ना, काम को दीजिए। फिर उसके बाद वो स्टेज आता है कि अच्छा जी, अब आप इतने स्टेबल हो गए हैं, आप जिस जगह पहुंचना चाह रहे थे अपने लिहाज से आप वहां पहुंच गए, तो अब आप फिर 50-50 करेंगे, अब आप काम भी करेंगे लेकिन साथ फिर आप और बाकी चीज़ों को भी। बिल्कुल, जैसे बिल्कुल, और ट्रैवलिंग की जो मैं बात कर रही हूँ, हम अपने आप को प्रायोरिटाइज करके, जैसे नया जोड़ा खरीद लूँ या वो कढ़ाई करा लूँ या वो जूता ले लूँ, मैं फिर सोने का सेट आई वुड रादर, मैंने अब ये कहा है कि पहले भी मैं करती थी, अब मैं दोबारा शुरू करने लगी हूँ उसे, कि मैं अपने बच्चों के साथ ट्रैवलिंग, कि वो पैसे इकट्ठे करके हर 6 महीने बाद मैं उनको किसी वेकेशन पे लेकर चली जाऊँ, चाहे वो छोटी सी वेकेशन ही। आई डोंट वांट टू बाय ज्वेलरी और कोई ज्वेलरी, उसका कुछ फायदा नहीं मिलता, तो इसलिए इन्वेस्ट, एक्सपोजर जो मिलेगा ना, वो कॉन्फिडेंस एक अलग ही पैदा होगा। आपको शौक है ट्रैवलिंग का? मुझे कुछ ताक में सब मेरा फ्लाइट फोबिया है ना, मैं मुझे गाड़ी से डर लगता है, मुझे ट्रेन से डर लगता है, मुझे जहाज से डर लगता है। कोई और आपके पास है समंदर का जहाज, हर तरह का क्रूज और ही डर है, तो वो जो फ्लाइट में इसलिए घबराता हूं। नादिया, एडवेंचर्स वगैरह वो जो होते हैं, यूनिवर्सल स्टूडियो कभी नेवर, कोई झूला राइड कभी नहीं मैंने जिंदगी में, तो हार्ट फेल हो जाए, नहीं मैंने। हाँ, मुझे मूवमेंट ऐसे देखने में, नादिया की पर्सनालिटी थी फन लविंग, फन करना, चलो वहां चलते हैं, चलो पिकनिक पे चलते हैं, नहीं बस करीब करीब। अच्छा, वैसे इस फियर को दूर करने की, बहुत घबराती हूँ, डरती हूँ, मैं पसंद नहीं, और लॉन्ग फ्लाइट्स तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, तो यूएसए तो नहीं जाएंगी फिर आप? मैं बड़ी मुश्किल से, बड़ा लेट गई हूँ, बड़ी बेटी को बोलती हूँ दादा वो इधर ही आ जाए। हाँ, तो इसलिए मैं लीजे को मिलने नहीं कभी गई कनाडा, कि मैं कहती हूँ बेटा आप आ जाओ, मैं नहीं जा सकती। हम तो साल में 3 चक्कर लगा लेते, अच्छा जी वीकेंड पे छुट्टी आ रही है, चलो चलो। मतलब जब होता है मैं अवॉइड ही करती हूँ ज्यादा, कि सफर ना करना पड़े। आप अकेले ट्रैवल ना करें, बहुत कभी कभी शो ऐसी प्रॉब्लम्स हो तो दोस्त, मेरे जैसे दोस्त ढूंढे, हाँ, ताकि वो आपके साथ ट्रैवल करें और आपके लिए। वो नहीं, एक काजल थी ना एक फिल्म में, बिल्कुल, वो जहाज में बैठती थी, उसका वो
वो वाली चीज होती है ना जी। मुझे मुझे डर लगता है, मैं अनकंफर्टेबल जब तक होती ना मैं तंगी होती हूँ, और अगर टर्बुलेंस हो जाए तो बस जो साथ बैठे। जैसे अब ये हमारे नॉर्थ इतना खूबसूरत है, मैंने तो तस्वीरें उसी की दी थी, मैं तो अपने बच्चों को बचपन में बहुत गए, अब नहीं मुझसे जाया जाता। अच्छा हाँ, बस अब डर लगता है। अभी यानी कि वो खबर थी, वो सही थी कि नादिया जब लाहौर से इस्लामाबाद, सॉरी लाहौर से कराची आती है तो वो इंटरनेशनल वाली फ्लाइट लेकर आती थी, वो सही थी खबर? बिल्कुल बात है? बिल्कुल सही। क्या मतलब? मैं ये क्या खबर थी? एयरलाइन एयरलाइन का नाम नहीं ले सकते। क्रैश क्रैश जब हुए ना उसके बाद मुझे, अच्छा मुझे फियर, इसलिए मेरा एक बहुत क्लोज फ्रेंड की डेथ हुई, पायलट था, सेकंड पायलट था वो, फिर मेरी बर्थडे थी जब यहाँ क्रैश हुआ, कुछ इतने जो क्रैशेज हुए ना उसने मेरे ऊपर बड़ा इम्पैक्ट साइकोलॉजिकल डाला। लेकिन हाँ, मैं लोकल एयरलाइन में ट्रैवल ही नहीं करती थी, तो मैंने अगर इस्लाम कराची आना होता था इस्लामाबाद से तो पहले दुबई जाती थी। हाय, दुबई से मैं, ये बात बड़ी मशहूर हुई थी, मतलब सबको पता, मैं है समझ नहीं आई, जितना अर्सा मैं शो कर रही थी मेरा यही होता था, मैं नहीं आती थी डायरेक्ट, नहीं मतलब लोगों के फियर होते हैं। फियर है तो फिर बिल्कुल वो वाला, ऑल्दो मोर पीपल डाई ऑन द स्ट्रीट देन इन अ प्लेन, बट स्टिल आई नो सब कहते हैं, बट फिर नहीं, लेकिन नादिया इस फियर पे हम काम करेंगे, आपका ये दूर करने की कोशिश करेंगे ताकि आप ट्रैवल करें। ट्रैवल बहुत किया है, अच्छा ट्रैवल बहुत किया है, इतना किया है कि रज गए हैं, लेकिन बस अब बच्चों के साथ भी आई फील कि हाँ करना चाहिए, जाना चाहिए। मुझे तो बस टर्की तक, चलो साल में एक दफा करीब करीब 6 घंटे 4 घंटे की फ्लाइट बस। अच्छा मेरा तो वो लिस्ट है कि अब मैं अपने बेटियों के साथ कहती कि वो कौन सा मुल्क है जहाँ मैं नहीं गई, तो मैंने आपको वो चीजें दिखाई। लेकिन अब बड़ा घूमते हैं, मैं डेली घूमती हूँ क्योंकि फैसल को ट्रैवलिंग का शौक है, मेरी वजह से नहीं जा सकते ज्यादा, तो क्या करते हैं रोज हम रात को ना बैठ के लगा देते हैं कलम में अज़रबैजान की सैर करती हूँ। हमारा टीवी बहुत अच्छा है, हमने उसमें इन्वेस्ट किया, तो हम रोज इतना घूम रहे हैं, स्विट्जरलैंड चले गए और वहाँ एसी तेज कर दिया थोड़ा सा घूम लो, और ये स्विट्जरलैंड की गलियों में इतना जबरदस्त ना लैंप वैम्प ऑफ कर दो, लगता वही है, इतना मजा आता है, थोड़ी देर से बाद वीआर आ जाएगा, वैसे ही आपको लगेगा आप अंदर हैं। क्या जरूरत है इतनी दूर जाने की सफर के बगैर, तो सफर के बगैर रोज घूम रही होती हूं। गुड आईडिया, ओके भाई नेक्स्ट पिक्चर। अच्छा ये मैं रॉट आयरन का बता रही थी, ये मेरे पास टेबल है, मेरे पास सेटी है, मेरे पास शो केसेस हैं ये वाला, और बहुत वॉल टू वॉल शो केसेस हैं, और ये मैंने कितने 30 साल पहले बनवाए थे। हाँ ये अभी तक टेबल चल रही है, और वो मैंने इतने सस्ते बनाए थे रॉट आयरन की, इस तरह का मेरे पास पूरा रैक है। हाँ ये तो फिर भी लकड़ी का है, ये तो मैंने उससे गूगल से उठाया है, बट वो वॉल टू वॉल पूरा है विद शेल्फ्स और पूरी कार्विंग के साथ, कोई रॉट आयरन वाला बंदा मुझे मिल गया था। okay. तो जब शादी हुई थी ना, तो फिर मैंने वो पूरी चीज़ें शेल्फ वेल्फ रखने के लिए सब, वो अब तक मेरे काम आ रही हैं। सिर्फ पेंट भी मेरे ख्याल से मैंने शायद एक आध दफ़ा ही बीच में करवाया था, वो ख़राब भी नहीं हुए। हाँ तो मुझे वो बहुत सस्ती चीज़ें पड़ी थी, आई थिंक 15,000 में मेरे बहुत सारी चीज़ें बन गई थी। मैंने तो वो प्लांटर्स भी रॉट आयरन के बना लिए थे, जिसमें प्लांट्स आप रखें, गमले रखें, मैले कपड़ों की पूरी एक हसीन सी बास्केट थी, पूरा गूगल करके ना मैंने कहा मुझे ये डिज़ाइन चाहिए, ये डिजाइन उसने बहुत अच्छे बनाए थे। हाँ तो ये वाली मेरी एक इन्वेस्टमेंट थी, बड़ी हेल्प। अब आपको वाकई जैसे होता है ना कि गैजेट्स की वजह से बड़ी हेल्प मिल जाती है आपको, आइडियाज मिल जाते हैं कि इस तरह का डिजाइन बना दे, इस तरह का डिजाइन। हाँ और हमारे इतने टैलेंटेड कारीगर हैं, बहुत बना देते हैं, कुछ भी आप कहें उनको बना देंगे कुछ भी।